जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल डॉक्टर ओमचो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। आप इतना प्यार दुलार हमें प्रदान कर रहे हैं, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए व्यूअर हो, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे और डॉक्टर ओमचो परिवार से आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर ओमचो परिवार युवाओं का चैनल है, यूथ का चैनल है, लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, शेयर भी करें वीडियो को, लाइक करें अगर अच्छा लगा हो आपको। तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें, जय श्री राम लिखें, जिन भी देवी देवताओं को आप पसंद करते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। वृषभ राशि वो करो जो 99% लोग नहीं करते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन को अच्छे से जीना चाहता है, किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। तो पहली और मुख्य बात है कि अगर आपको सफल होना है, बहुत अच्छे से सफल होना है, जिस भी उम्र में, ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र कुछ हो, यहाँ उम्र का कोई सीमा नहीं है, तो सबसे पहला है नवाचार। क्या क्रिएटिव करते हैं आप, क्रिएटिव रचनात्मक या नवाचार क्या है आप में जो अन्य से अलग है, तो उस चीज़ को आप पॉलिश करें, उस चीज़ को आप अच्छे से अभी भी कर सकते हैं आप, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है उम्र का, एक मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको। दूसरे नंबर पर आता है आपका योजनाबद्ध तरीके से काम करना, क्योंकि योजना एक ऐसी शक्ति है जो बहुत जल्द किसी भी काम में सक्सेस आपको कर देती है। तीसरे नंबर पर है हार्डवर्क, और चौथा जो सबसे ज़्यादा मुख्य जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो आलस्य। आलस्य को छोड़ें, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, और बहुत से लोग सक्सेस होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 99% के मैंने लोगों की बात देखी है, उनका न तो कोई टारगेट है, बिना लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं, न कोई इष्ट है और न कोई नवाचार है। तो पहली बात, अपने जीवन का कोई लक्ष्य हो, दूसरी बात लक्ष्य है तो उसकी योजना हो, ठीक है। अब योजना मान लीजिए सफल नहीं हो पा रही है, बहुत से लोग इस जगह पर होंगे कि उनकी योजना सफल नहीं हो पा रही, तो वहाँ से योजना को फिर से बनाएं आप, यहाँ से इस तरह से नहीं तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ईश्वर पर पूर्ण यकीन और अपना इष्ट, ये 99% लोग ये नहीं करते हैं, अपना इष्ट नहीं बनाते हैं, और इष्ट बनाए, इष्ट का मतलब किसी भी एक देवी देवता को पर्टिकुलर माने, मुझे पता है आप मानते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने बात भी रखी है। और एक नई योजना बनाए, हमेशा नवाचार पर ध्यान दें, नया क्या करना है उस पर ही आप ध्यान दें और उसी पर शोध करें, क्योंकि जितना नया करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो 99% लोग ये नहीं करते, एक तो नवाचार आलस्य बहुत ज़्यादा करते हैं, नवाचार को नहीं अपनाते, आलस्य बहुत करते हैं, कोई इष्ट नहीं होता है उनका, और ईश्वर पर भी यकीन कम होता है, सिर्फ सामान्य से कि ठीक है ईश्वर है। तो दोस्तों प्लीज़, मैंने जो आपको बातें बताई इन्हें ध्यान रखें और कोई भी काम करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।